नमस्कार, स्वागत है आपका एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज में। पेश है बॉलीवुड की ताजी सुर्खियां। ये रिश्ता क्या कहलाता है और ससुराल सिमर का जिसे शो से अपनी पहचान बनाने वाली वैशाली ठक्कर अब हमारे बीच नहीं रही। खबरों के मुताबिक वैशाली ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है और इसकी वजह उन्होंने एक सुसाइड नोट में लिखी है। रिपोर्ट्स की माने तो अपने फॉर्मर बॉयफ्रेंड से परेशान होकर वैशाली ने कदम उठाया है। लगता है विजय देवराकोंडा पूरी तरह से तैयार हैं अपनी अगली फिल्म से सबके दिलों को फिर से जीतने। खबरें आ रही हैं कि विजय ने अपनी आने वाली फिल्म जनगण मन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते विजय ने आर्मी ऑफिसर्स के साथ एक पोस्ट भी शेयर की है। डालिए नजर विजय की इस पोस्ट पर। हेमा मालिनी एक बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं और उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। हेमा मालिनी ने आज अपना 74th बर्थडे मनाया और यह खुशी उन्होंने अपने पति धर्मेंद्र के साथ मिलकर बांटी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह अपनी आने वाली फिल्म थैंक गॉड का प्रमोशन करने बिग बॉस के एक एपिसोड में पहुंचे, जहां सिद्धार्थ और कियारा की शादी की अफवाह के चलते सलमान ने सिड की खूब टांग खिंचाई करी और इस सबसे सिड काफी ब्लश करते भी नजर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो अवर चैनल एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड वेबसाइट।